नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? हिमांशु हिमांशु। हिमांशु जी, आप आई थिंक एक हफ्ते पहले आए थे हमारे पास, जी और थोड़ा जांच लेकर दिखा दीजिए। तो क्या जी तकलीफ थी आपको? मेरे स्टोन हो गए थे दोनों यूरेटर में। स्टोन हो अच्छा, गए थे दोनों दोनों जी। किडनियों में भी स्टोन्स थे इनके और यूरेटर में भी स्टोन्स थे। और ये वाली पहले दिन की रिपोर्ट है। ये पहले वाला रिपोर्ट है, जब आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें 7 mm का एक तरफ है और 5 mm का एक तरफ है। अच्छा, इनकी वो भी कराई थी हमने, ब्लड टेस्ट दिखाइएगा। अच्छा, ये पहले दिन की ब्लड टेस्ट कराया था जिसमें कि किडनी प्रोफाइल इनकी जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ थी, जिसमें देख सकते हैं यूरिक एसिड थोड़ा 7.2 है और जी ई जी एफ आर जो वैल्यू है वो 82 है। दूसरी बात, इसमें थोड़ा प्रोटीन प्रेजेंट है, ब्लड आ रहा है और थोड़े बहुत इन्फेक्शंस हैं। दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये इस कंडीशन में आए थे हमारे पास और आई थिंक डॉक्टर ने तो ऑपरेशन ही बोला था हाँ एक ऑपरेशन करके। बोला। देखिए, दोनों तरफ पथरी फंसी हुई होती है तो ज़्यादातर केसेस में ऑपरेशन ही करा जाता है और डॉक्टर्स जनरली एडवाइज करते हैं और कि तुरंत ऑपरेशन करा लो, क्योंकि दोनों तरफ पथरी फंसी है। ठीक है, क्योंकि कोई चांस नहीं ले सकते। क्रिएटिनिन भी थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता है और किडनी पे भी इम्पैक्ट आता है उसका, बराबर समझ रहे हैं? तो देख सकते हैं क्रिएटिनिन भी 1.3 के करीब इसमें दिख रहा है, जो कि 1.2 1.4 के करीब रहता है इसका अपर लेवल। ठीक है, तो इसको ऑन द साइड ऑफ हायर लेवल माने तो ये कंडीशन जो होती है, ऐसी कंडीशन में जनरली डॉक्टर्स प्रिफर यही करते हैं कि मरीज को ऑपरेशन किया जाए, और मरीज भी प्रिफर करता है क्योंकि दोनों तरफ पथरी फंसी है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा रिस्क का पीरियड है। आई थिंक जब आप आए थे तो उस समय दर्द भी था, बहुत ज्यादा था, दर्द बहुत था ज्यादा और आप डरे हुए थे, है दर्द। ना? तो खैर तुरंत ही आधे घंटे में आपको ठीक कर दिया था, दवाई हाँ, खिला करके। अच्छा, देखिए आधे घंटे में दवाई से ही दर्द ठीक हो गया था। दूसरी बात, आई थिंक मतलब आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं था कि ये ट्रीट हो हाँ पाएगा कि नहीं। आप हाँ कह रहे थे सोचा था कि ऑपरेशन करना करा चाहिए कि ले। नहीं करना चाहिए, बताइए आप। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन, ऑपरेशन कराओ सीधा जाकर हाँ के। ऑपरेशन करा ले, क्या करें? क्योंकि भाई एक तरफ पथरी फंसी होती है तो एक पल के लिए रिस्क ले सकते हाँ हैं। दोनों तरफ। दोनों तरफ पथरी फंसी होती है तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, कुछ रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि पेशाब आपको बिल्कुल नीचे ब्लैडर में जाए ही ना, फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो उन सब सारे कॉम्प्लिकेशंस को हमको बचाना होता है। ठीक है, तो दवाइयाँ बचा सकती हैं ये सब सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको, लेकिन आप अगर पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहे तो ठीक है। जी और दूसरी बात, दवाइयाँ भी इन्होंने टाइम से ली और आज एक हफ्ते बाद आए हमारे पास ये, और आई थिंक ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं। तो ये देखिए, रास्ते में जो पथरी थी वो बिल्कुल निकल गई है, बस ऊपर पथरी पड़ी हुई है, दोनों पथरियाँ रास्ते में निकल गई है। तो अब साहब से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा साहब बढ़िया, आपका? बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि जहाँ तक 4 ही 5 दिन में निकल गई होगी, क्योंकि हल्का सा जब दर्द महसूस हुआ था 4 ही 5 दिन में निकल गई होगी। अल्ट्रासाउंड लेकर हमने एक हफ्ते बाद कराया, तो आज अच्छा, तो क्लियर हुआ कि ट्रैक में तो कोई भी नहीं है, अब यूरेटर में नहीं कुछ है। निकलते हुए दिखाई दिया आपको? निकलते हुए तो नहीं दिखाई पड़ा, देखिए क्या लेकिन खूबसूरत महसूस सी हुआ दर्द चीज़ हल्का है, सा। कोशिश यही रहती है कि पथरी निकलते हुए दिखाई न दे, लेकिन कुछ केसेज में पथरी निकलते हुए भी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये संदेश था, ये वीडियो बनाने का केस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपने आप में बड़ा केस ये था कि ये दोनों तरफ पथरी फंसी हुई तो थी, किडनी जो इन्फेक्शन भी कि तीसरे दिन ही देखिए ब्लड हाँ, रिपोर्ट में ठीक हो गया था। और किडनी इन्फेक्शन, अच्छा ये तीसरे दिन का है। हाँ देखिए ई जी एफ आर वैल्यू जो कि 82 के करीब थी वो 3 दिन बाद ही 112 के करीब हो गई है, और उनतीस पॉइंट इकतीस क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो गया था इनका। और दूसरी बात, जो पेशाब में तकलीफ थी, प्रोटीन उटीन आ रहा था, वो सब भी खत्म हो गया। देख रहे हैं आप, प्रोटीन खून ये सब सारी चीज़ें आ रही थी वो सब भी खत्म हो गई। तो होम्योपैथी ना बहुत अच्छे तरीके से काम करती है अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें और अच्छी जगह यूज़ करें, है ना? तो ये रास्ते का स्टोन्स का एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो था आप लोगों को बताने के लिए कि दोनों तरफ रास्ते में पथरी फंसी हुई है, ये थोड़ा इमरजेंसी कंडीशन होती है। अच्छा, इसको ना बड़े कहीं भी इसका ट्रीटमेंट मत लीजिएगा, मैं आपको एडवाइस करूँगा, या तो एक्सपीरियंस जगह लीजिएगा ट्रीटमेंट,
यानी ऐसे केसेज जो कर रखे हों डॉक्टर्स, वहाँ पे फॉलो करिएगा और या तो ऑपरेशन करा लीजिएगा। नए जगह पे इसका ट्रीटमेंट लेने से अवॉइड करिएगा, या यूं ही कोई भी नॉर्मल होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं लीजिएगा, वरना आपके साथ इमरजेंसी डेवलप हो सकती है और आप खतरे में पड़ सकते हैं और आपकी किडनी खराब हो सकती है। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो था बताने के लिए कि केस छोटा सा ही हो लेकिन वो तब भी बड़ा है। देखिए दोनों तरफ पथरी फंसी हुई थी और किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा था, है ना, डायरेक्ट किडनी पे इम्पैक्ट आ रहा था, ड्रेसेज भी आ रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन कोई एलोपैथिक दवाइयाँ एडवाइस करिए आपको? नहीं नहीं कोई नहीं, टोटली होम्योपैथिक दवाइयाँ दी सारी वही। ठीक है, आप कोई ना पेन किलर लिया इन्होंने, पेन हुआ भी नहीं उसके बाद नहीं। ठीक है, तो ये एक संदेश जाता है अच्छा कि होम्योपैथी का अच्छा रोल है, लेकिन एक्सपीरियंस जगह से होम्योपैथी करेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका फॉलो होगा। ये पहली बार पथरी बनी थी आपको? नहीं नहीं पहले भी बनी थी, पहले बनी थी, उसके बाद वही दवाई खाई थी, दवाई खाई थी। लेकिन दोनों तरफ नहीं रही होगी, दोनों तरफ नहीं थी। किडनी में वो भी अंदर पड़ी हुई थी, फर्स्ट टाइम था। अभी ऊपर पड़ी हुई पथरी, अभी इनका आधा काम हुआ है, आधा काम अभी रह गया है। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको। ठीक है, तो बताइएगा आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सर।